ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। कुंडली पार्ट सिक्स, कुंडली पार्ट सिक्स में आज हम बेसिकली जो देखने जाएंगे या पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप समझिए। सबसे पहले हम 12 भावों में शरीर के अंगों को देखेंगे और 12 भावों में रिश्तेदारों के घरों को देखेंगे कि किस घर पे कौन सा रिश्तेदार आता है। इसके अलावा पूरे शरीर पर किस राशि का आधिपत्य होता है वो आप देखेंगे, किस शरीर के कौन से अंग से कौन सी राशि कनेक्टेड है। ठीक है, राशियों में भी देख लेंगे हम। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शरीर के अंगों को समझा रहा हूँ कि कौन से शरीर के अंग से हम किस किस भाव पे कौन से शरीर का अंग आता है। सबसे पहले जो प्रथम भाव लग्न भाव, इस भाव पे हम बेसिकली सर को लेते हैं, शरीर पूरा का पूरा शरीर आता है और त्वचा आता है। तो यहाँ पर आप ले लें अपने सिर को, इसके अलावा यहाँ पर आपका शरीर पूरा आ ही जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपका त्वचा आएगी पूरी। इसके बाद जो दूसरा घर होता है यहाँ पर आपका चेहरा आएगा, चेहरे के अलावा आपकी जो आईज है वो राइट आईज आएंगी, इसके अलावा आपके दांत आएंगे, इसके अलावा आपकी जिह्वा आएगी, मुख आएगा, नाक आएगा, नाखून आएगा, तीसरे घर पे कान आएगा, गला, गर्दन, ये सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा जो चौथा घर है, चौथे घर में आपकी छाती आएगी, फेफड़े आएंगे, फेफड़े के अलावा हृदय आएगा, मस्तक आएगा, सॉरी मस्तक बोलना, स्तन आएंगे। तो ये चौथा घर। पांचवे घर में आपका अमाशय आएगा, पित्त आएगा। इसके अलावा आपका चौथे पांचवे घर में आपका पित्त की थैली, अग्नाशय और तिल्ली आएगी। इसके अलावा जो आपका छठा घर है, छठे घर में गुर्दा, छोटी आंत और पेट, ठीक है, ये चीजें आएंगी। इसके अलावा जो सातवां घर है ये आपकी बड़ी आंत आएगी। इसके अलावा यहाँ पर मूत्र अंग आएगा, इसके अलावा अंडाशय आएगा, ये आपका सातवां घर है। आठवें घर में आपका गुदा द्वार, मतलब ये आपका गुप्त अंग आएगा। आठ जो आपका नवा घर है, नवे घर में आपके हिप्स और जांघें, ये मेन चीजें आएंगी। इसके अलावा जो आपका दसवां घर है इसमें आपके घुटने, घुटने के जोड़, ये दो चीजें यहाँ पर आएंगी। इसके अलावा ग्यारहवें घर में टांगे आएंगी, आपका जो कान है राइट कान, जो राइट कान, इसके अलावा लेफ्ट हैंड आएगा। इसके अलावा जो 12th हाउस है इसमें पैर आएंगे, आपकी आंखें आएंगी, राइट आईज, दोषपूर्ण अंग भी यहीं से देखे जाते हैं। यहाँ पर आपका इस तरह से 12 घरों में शरीर के अंग पाए जाते हैं। एक्चुअली शरीर के अंगों को हमें इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि जब मैं आपको विष दोष पढ़ाऊंगा, विष दोष समझाऊंगा, तो वहां पर ये शरीर के अंगों में क्या परेशानी अगर किसी को है तो किस कारण आ रही है। तो विष दोष के लिए शनि प्लस जो आपकी चंद्र की युति आएगी उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस कारण, ये विष दोष में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसलिए आपको पूरे 12 भावों में कौन कौन से शरीर के अंग को हम कैसे अलग अलग लेते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से भाव में कौन से शरीर का अंग माना जाता है। इसके अलावा जो हम रिश्तेदारों के घरों में लें 12 भावों में, तो सबसे पहला शरीर हमारा खुद शरीर है। इसके अलावा दूसरा घर जो होता है पड़ोसी और परिवार का होता है। पहला घर शरीर खुद, दूसरा घर पड़ोसी प्यार सॉरी परिवार कुटुंब, मतलब हमारी पड़ोसियों से कैसी रहने वाली है, परिवार से हमारा कैसे रहने वाला है। इसके अलावा तीसरे घर में हम छोटे भाई बहनों को देखते हैं, छोटे भाई बहनों से हमारी क्या स्थिति रहने वाली है वो देखेंगे। चौथा घर है, चौथे घर में हम माता को देखते हैं, माता से हमारे संबंध कैसे रहने हैं, माता से हमें कितना लगाव रहना है, माता से हमें कितना सपोर्ट मिलने वाला है। पांचवा घर संतान, पहली संतान देखते हैं, पहली संतान का घर है, दूसरी संतान यहाँ, तीसरी संतान यहाँ, ऐसे एक घर छोड़ के हम चौथी पांचवी संतान के लिए उसके बाद हम अलग अलग घरों में बढ़ते जाते हैं। जो छठा घर है वहां से हम मौसा मौसी, सातवें घर में हम पति और पत्नी को देखते हैं, आठवां घर से हम मामा मामी, नवे घर में पिता, कुछ कुछ मतों के अनुसार दसवें घर से भी पिता को देखा जाता है, दसवें घर में भांजा भांजी, जीजा जीजी, भाभी जीजा भाभी, इस तरह से। इसके अलावा बड़े भाई बहन हम ग्यारहवें घर से देखते हैं और बारहवें घर से चाचा चाची, आठवें घर से हम ससुराल पक्ष को भी देखते हैं। तो ये कुछ जो चीजें हैं कि हमारे रिश्तेदारों से हमारी कैसी स्थिति रहने वाली, वो इस हिसाब से हम यहाँ पर 12 घरों के हिसाब से समझते हैं कि हमें किसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, क्यों चल रही है, कैसे चल रही है। तो ये इन घरों को हमें याद रखना जरूरी है। इसके अलावा जो 12 राशियां हैं उनका शरीर पर कहाँ पर क्या आधिपत्य होता है या किसका उसको हम मानते हैं वो देखिए आप। मेष राशि जो है, मेष राशि का सर पर वृषभ, चेहरा मिथुन, कंधे गर्दन स्तन मध्य, कर्क हृदय, सिंह है पेट,
कन्या कमर आते, तुला का जो आधिपत्य है निचला उदर, वृश्चिक का बाहरी जनन अंग, धनु का जांघों पर, मकर का दोनों घुटने पर, कुंभ का टांगों पर और मीन का पैरों पर। तो ये कुछ आपकी इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें शरीर के अंग, कुंडली पार्ट 6 में शरीर के अंग, रिश्तेदारों के घर और राशियों का किस शरीर के पार्ट पर क्या आधिपत्य है कहाँ पर, वो चीज आपने यहाँ पर हमारे पास कोई ये प्रॉब्लम लेके आता है कि पर्टिकुलर अभी मुझे शरीर के इस अंग में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जो शरीर का अंग है किस भाव से रिलेटेड है, किस घर से रिलेटेड वो अंग है, वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की डिग्री क्या है, उसका षडबल क्या है, वो कारक है मारक है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। षडबल में हम 6 चीजों को तो देखते हैं, उसके अलावा हमेशा हमेशा हमें कुछ चीजें और देख लेनी चाहिए कि कोई विष दोष तो नहीं है। इसके अलावा नवमांस में देख लेना चाहिए कि उस ग्रह की क्या पोजीशन है। तो बेसिकली शरीर के अंगों को समझ लेने से हमें अगर कोई प्रॉब्लम है किसी को तो वो बताने में बहुत आसान हो जाता है कि वो किस ग्रह के कारण है, और फिर हम उसका कुछ उपाय करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बेसिक रीजन ये है शरीर के अंगों को पढ़ने और समझने का ये। अगर हमारी किसी रिश्तेदार के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, किसके साथ चल रही है, पिता से नहीं पट रही, माता से नहीं पट रही, पति पत्नी में कोई प्रॉब्लम है, तो उस घर में कौन सा ग्रह है और वो कितना प्रभाव डाल रहा है। अगर वो ग्रह मारक है, वो ग्रह किस स्थिति में बैठा है, उसका भी षडबल देख लें, नवमांस में उसके चेक करें। इसके अलावा उसको हम रत्न पहना सकते हैं वहां पर, नहीं पहना सकते, पूजा पाठ से उसको कम कर सकते हैं, दान से कम कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें तो मैं आगे आपको क्लियर करूंगा ही, अभी ये समझाने का यहाँ पर ये सिर्फ मतलब या सेंस ये है कि आप ये समझें कि अगर पर्टिकुलर उस किसी रिश्तेदार से प्रॉब्लम है, शरीर के किसी अंग से प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर उस ग्रह के साथ हम क्या ट्रीटमेंट करें। तो बेसिक रीजन ये था इन सब चीजों को समझने का। इसके अलावा अब आपने शरीर के अंगों को देखा तो इसमें विष दोष जो तो है वो है ही है। इसके अलावा जो नीच ग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, किसी मारक ग्रह की दृष्टि तो उस घर पे नहीं पड़ रही, ये भी देखना बहुत जरूरी है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। कुंडली में ये सब चीजें आपको समझना इस कारण भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये था मेरा कुंडली पार्ट 6 में शरीर के अंगों का 12 भावों में कहाँ पर स्थान है वो, रिश्तेदारों का स्थान, इसके अलावा राशि के अनुसार शरीर के किस भाग के लिए कौन सी राशि का आधिपत्य है वो ये समझाना था मुझे। तो ये थी ये पार्ट 6। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सब लोगों तक पहुँचे। मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर आपको कोई रत्न रिकमेंड कर रहा है, अगर आपको कोई पूजा पाठ बता रहा है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आपको बता रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में उसको खुद समझने की कोशिश करें। हस्तरेखा के वीडियोस भी मैंने डाल रहा हूँ, या उनको भी आप देख के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 5 से लगातार उसको स्टार्ट से देखें तो वो चीज़ भी आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट पार्ट 6 में आए हैं तो पार्ट 1 से आप ज़रूर देखें सारी चीज़ें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसके अलावा हस्तरेखा के पार्ट 1, पार्ट 2 देखिए। तो आपको कोई अगर अगर आप इन चीज़ों में विश्वास करते हैं और किसी के पास जाते हैं, आज विश्वास का ज़माना नहीं रहा किसी पर पूरी तरह से, तो आप एक बार खुद इन सब चीज़ों को ज़रूर टटोल के चेक ज़रूर करें। तो ये चीज़ें हैं आपकी पार्ट 6 में। अगले वीडियो तक नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।